मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में कलयुगी भाई ने भाई बहन की पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए अपनी सगी बहन को डरा धमका कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करना और शारीरिक संबंध बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद पिपलिया मंडी पुलिस ने पीड़ित बहन के बयानों पर उसके सगे भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में महिला डेस्क प्रभारी सब इंस्पेक्टर जया भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती निवासी 12 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने बयान में बताया, मेरी माँ और मेरे छोटे भाई मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे और बड़ा भाई अंकित कुछ दिनों से घर पर रह रहा था। वह घर पर कमरे में बैठकर मोबाइल चला रहा था और पीड़िता नीचे बैठी हुई अपने मेहंदी हाथों में लगा रही थी। तभी पीड़िता के बड़े भाई अंकित माथे ने उसके हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता लड़की के साथ गंदी हरकत की। जब माँ मजदूरी करके घर पहुँचती है तो पीड़िता लड़की ने पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बताया। फिर माँ पीड़ित लड़की को लेकर पिपलिया मंडी थाना पहुंची, जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत कर आरोपी बड़े भाई अंकित को खिलाफ बाल लैंगिक अपराधों का अधिनियम 2012 के तहत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परसों 26 तारीख को पीड़िता उसकी माँ और भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में थाने पर आई थी। उसने रिपोर्ट की कि जो उसका सगा भाई है उसने उसके साथ में गलत काम किया है। घटना उसने ऐसी बताई कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हुए 6 साल हो चुके हैं और जो पीड़िता है उसकी माँ और पीड़िता से बड़ा भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं। पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं और ये जो उसका सबसे बड़ा भाई है ये कभी कभार मजदूरी करने जाता है, बाकी घर पर ही रहता है। तो 24 तारीख के दिन रविवार को इसकी माँ और इसका भाई ये दोनों मजदूरी करने के लिए गए थे और ये जो आरोपी है ये घर पर ही था। लड़की मेहंदी बना रही थी, दिन में करीबन 2-2.5 बजे की बात होगी। इसने लड़की को ये बुलाया और वहीं कमरे में इसको बुलाया, अपने पास में बिठाया और फिर इसके साथ में धीरे धीरे इसको गलत तरीके से टच करते हुए फिर इसने इसके साथ में अपनी सगी बहन के साथ में गलत काम किया। लड़की ने कहा कि पीड़िता ने कहा कि मैं जो भी बात है अपनी माँ को बताऊँगी और बताऊँगी कि तूने मेरे साथ गलत काम किया है। तो भाई है, मारपीट करता है, तो इसने धमकी देके बोला कि अगर तूने मम्मी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा या तेरे साथ फिर मारपीट करूंगा। तो डर के कारण इसने उस दिन को कोई भी बात नहीं बताई थी। परसों 26 तारीख को ये जो आरोपी है किसी काम से बाहर गया होगा, तो फिर इसकी माँ को पीड़िता ने पूरी बात बताई कि जो मेरा बड़ा भाई है इसने मेरे साथ में गलत काम किया है। फिर पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष दोनों को साथ में लेकर लड़की थाने पर आई थी रिपोर्ट करने के लिए। आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी से जो पूछताछ की थी तो उसने बताया कि उस समय वो मतलब अश्लील वीडियो देख रहा था और उसके बाद फिर इसने गलत काम किया। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।